इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग डेफिनेशन समझ लीजिए। अब प्रॉपर्टीज उसका, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं आपको दे दिया जाए, थोड़ा एक ड्रॉ कर दिया जाए और कहा जाए कि एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इसको ए से बी तक डिस्प्लेस करना है, कितना वर्क होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन में क्या बताया गया, जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी, इट मीन्स वी ए इज इक्वल टू वी बी, वी ए इज इक्वल टू वी बी, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डेल्टा वी इट विल बी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो। तो वर्क डन, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी डब्ल्यू ए बी, यू नो इट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी जीरो। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो वन मार्क के क्वेश्चन भी इस पर आते हैं, कहीं चार्ज दे देगा, पोटेंशियल बीच का गैप दे देगा और वर्क डन पूछेगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। सेकेंड पॉइंट पर है, सेकेंड पॉइंट में इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से रिलेटेड एक टर्म देखेंगे। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हम डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज, और ये इस पर फोर्स माने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसी के डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट करे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग सपोज कर लें थीटा, एज यू नो वर्क डन टू कैरी चार्ज, एज यू नो वर्क डन टू कैरी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू डिस्प्लेसमेंट डीआर, डी डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा, दैट इज क्यू ई, क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा, बट डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा जीरो। वर्क डन टू कैरी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू डिस्प्लेसमेंट डी आर, डी डब्ल्यू लिख लिए, बट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस डी डब्ल्यू इज जीरो। तो डी डब्ल्यू अगर जीरो हो गया तो देखो क्यू नॉट जीरो होगा नहीं, ई का वैल्यू जीरो नहीं है, डी आर जीरो नहीं है, इट शोज दैट कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इट शोज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर मार्क करेंगे तो हमेशा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा।
एक थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट करने का मतलब एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे जो पॉसिबल नहीं है। नो टू सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अभी जो एक रिलेशन हम लोग डिराइव किए इक्वल टू डीवी अपॉन डीएफ, ये डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डीवी कांस्टेंट होगा फॉर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस डेंस होगा क्लोजर होंगे वहाँ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी स्ट्रांगर होगी, और जहाँ फार पार्ट होंगे वहाँ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वीकर होगी। जैसे मान लो अगर हम लोग ड्रॉ करें रीजन ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, आपको एक पॉइंट ये दे दिया जाए ए और एक पॉइंट यहाँ दिया जाए बी, और कहा जाए कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, तो जहाँ ये डेंस है मतलब जहाँ गैप कम है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होगा, ईए विल बी ग्रेटर देन ई, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांगर होगी वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम होगा, जहाँ वीकर होगी वहाँ गैप अधिक होगा। ये फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करेंगे। देखो फॉर पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल की स्फेरिकल सिमेट्री होती है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होगा, एक पॉइंट चार्ज है ऐसे स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ करना होता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं, तो रेडियल फॉर्म में इसको ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। अब अगर मान लो कहीं लाइन चार्ज है, ये फर्स्ट हो गया पॉइंट चार्ज, सेकेंड ले लीजिए लाइन चार्ज, माने लीनियर चार्ज हो, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का कुछ इस तरह का चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए एक पोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल होता है, ये पॉइंट जैसे बिहेव होगा और इधर प्लेन सरफेस आ जाएंगी। ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम लोग ड्रॉ करें ऐसे हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है जस्ट अवे फ्रॉम चार्ज। तो इसके लिए स्फेरिकल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए और लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल सरफेस हो गए। अब अगर कोई डिस्टेंट सोर्स हो, डिस्टेंट सोर्स मतलब बहुत अधिक डिस्टेंस पर किसी तरह का सोर्स हो, दैट में भी आइदर पॉइंट चार्ज या लीनियर चार्ज, डिस्टेंट सोर्स से सभी फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। जैसे मान लो फील्ड लाइंस अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएंगी, तो जो प्लेन ड्रा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का वाई जेड प्लेन में इसके परपेंडिकुलर लाई करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे आ रही हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस,
तो इसमें एक पोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन में लाई जाएगा, हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे। ये प्लेन सरफेस होगा यहाँ पर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो वाई जेड प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेस लाई करेगा। ऐसे मान लो अगर टू पॉइंट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल ले लीजिए, टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस, या इसको इलेक्ट्रिक डायपोल भी कह सकते हैं। इसमें अनलाइक पॉइंट चार्जेज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे मान लो एक प्लस क्यू है और एक है यहाँ माइनस क्यू। अब देखो इनकी वजह से जो आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो यहाँ पर जो लास्ट प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर होता है वहाँ इनके बीच इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप कम होता है, जहाँ वीकर होता है वहाँ अधिक होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ ड्रॉ कर लिए हम लोग स्फेरिकल, तो स्फेरिकल सरफेस यहाँ भी आएंगे, लेकिन जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांगर होगी, अधिक होगी, वहाँ डेंस होंगे माने क्लोजर होंगे, और जहाँ वीक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ इनके बीच का गैप अधिक होगा। तो देखो अगर यहाँ बीच में आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज हो, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स चार्ज हो, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ ऐड हो जाएंगे। चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पर इन बिटवीन दीज टू चार्जेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांगर होगी इन कंपेरिजन टू द आउटर रीजन। इस आउटर रीजन में आप अगर आएंगे तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज हुआ, ड्यू टू नेगेटिव टूवर्ड्स हुआ, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटर रीजन में डिक्रीज करेगी। तो जो गैप होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, इस स्ट्रांगर रीजन में गैप कम होगा और बाहर के रीजन में गैप अधिक होगा। देखिए किस तरह इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। मतलब इस आउटर रीजन में गैप को अधिक रखना है और इन बिटवीन टू चार्जेस गैप को कम रखना है। इस तरह से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ किया गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब एक और कंडीशन ड्रॉ करना है जिसमें दोनों ही चार्ज लाइक हों, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हों, प्लस क्यू और ये भी मान लो प्लस क्यू। तो दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हो गए तो देखो इन बिटवीन टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वीकर हो जाएगा, आउटर रीजन में स्ट्रांगर होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे तो बीच में उनके बीच का गैप अधिक होगा और आउटर रीजन में गैप कम हो जाएगा, कुछ इस तरह। और एक आउटर रीजन में ऐसे भी आप चाहें तो सर्फेस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर गैप आउटर रीजन में कम रखेंगे और इन बिटवीन टू चार्जेस गैप को कम रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी हो तो सारी फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम चार्ज
As raised by the. ये लाइक चार्जेस हैं, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं जो ड्रॉ करने के लिए पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को साथ साथ ड्रॉ करना होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ट क्वेश्चन भी कई बार आए हैं, ड्रॉ करने के लिए पूछा गया है। सबको ठीक से समझ के अपने से ड्रॉ करो और तब इन पर क्वेश्चन को ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, वही लास्ट टर्म है इसका, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कैपेसिटेंस।